हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूएस स्टाफिंग के बारे में बताना चाहता हूं दिस इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ अ इंडस्ट्री ठीक है विच इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री सो यू कैन मेक योर करियर इन दिस इंडस्ट्री सो मीन आप इस इंडस्ट्री को समझने के लिए यू कैन वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली सो दैट यू कैन गेट द आइडिया ऑफ इट एंड इफ Uh, अगर ये सूट करती है आपके प्रोफाइल को या फिर आपकी uh, जो करियर गोल है उसको देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन दिस इंडस्ट्री सो लेट्स बिगिन इट विदाउट वेस्टिंग द टाइम सो द यू एस स्टाफिंग सो स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटिंग अ पर्सन ओके सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिक्रूटिंग साइकिल रिक्रूटमेंट मीन्स हायरिंग टू समबडडी मीन uh, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जैसे कि मान लीजिए यूएस है यूएस में हॉस्पिटल्स हैं हॉस्पिटल्स को नर्स हायर करनी है तो स्टाफिंग का काम क्या होता है स्टाफिंग एज अ मीडिएटर होते हैं तो हॉस्पिटल ने अपनी वैकेंसी निकाली और वो वैकेंसी किसको दे दी जो मीडिएटर है यानी स्टाफिंग एजेंसी को दे दी ठीक अब स्टाफिंग एजेंसी उनके लिए कैंडिडेट्स को ढूंढेगी यूएसए में ही ठीक है तो उनके पास डेटा होता है कॉल करेंगे यूएसए में कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे और फिर उनको इन उनका इंटरव्यू करवाएंगे हॉस्पिटल्स में अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है देन दैट कैंडिडेट कैन ज्वाइन इन द हॉस्पिटल और जो बीच की जो फीस होती है जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल ने हंड्रेड डॉलर्स आपको दिए हैं तो हम कैंडिडेट को कितना देंगे सेवेंटी डॉलर्स या एटी डॉलर्स और ट्वेंटी डॉलर्स जो रहता है वो बीच का जो स्टाफिंग एजेंसी का प्रॉफिट हो गया तो ये ब्रीफली मैंने आपको बता दिया हाउ द स्टाफिंग एजेंसी वर्क्स ठीक और स्टाफिंग एजेंसी इज अ काइंड ऑफ मीडिएटर बिटवीन द मेन क्लाइंट और जो भी उसके कैंडिडेट हो गए जो वहां पर वो प्लेस कर रही तो ये इंडस्ट्री है एंड इन इंडिया दिस इज मीन अगर हेल्थ केयर की बात करें मीन इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली द हॉस्पिटल्स सो दिस इज द बूमिंग इंडस्ट्री आफ्टर द कोविड तो यहाँ पर क्या होते हैं ये जो रिक्रूटर होते हैं दे हायर द रिक्रूटर हेल्थ केयर रिक्रूटर फार्मास्यूटिकल रिक्रूटर ऐसे ही आई टी रिक्रूटर नॉन आई टी रिक्रूटर इन सब के डिमांड्स होती हैं तो अगर आप हेल्थ केयर रिक्रूटर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं मीन इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन और दी एम बी ए फ्राम दी एच आर और जस्ट द सिंपल ग्रेजुएशन

ओके okay, और एक दो चीज़ें होती है कि वी क्या होती है एम क्या होती है तो ये सारी जो जो वीडियोस हैं मतलब कि हाउ टू गिव द इंटरव्यू इन द यू एस स्टाफिंग ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कई सारे चैनल्स हैं दे विल डायरेक्टली मीन दे विल टीच यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन सर जनरली आस्ड और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एज अ फ्रेशर पूछे जाएंगे तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं नाउ वी टॉक अबाउट द सेली पार्ट एंड द ग्रोथ ठीक है इन दिस लाइन तो जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि किसी भी जॉब को अगर आप देखते हैं तो आपके में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उसका क्या है इस चीज़ की मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए तो एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते देयर आर मीन मल्टीपल कंपनीज़ सो यू कैन नेगोशिएट विद देम तो फ्रेशर के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी आप कह सकते हैं वो मतलब ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू थाउजेंड से स्टार्ट हो जाती है और वो आपको थर्टी थाउजेंड तक मतलब तीस हज़ार तक इसके बीच में आपको एज अ फ्रेशर सैलरी मिल जाएगी तो मतलब जो कि दूसरे के कंपैरेटिवली जैसे अगर हम मतलब इंजीनियरिंग को छोड़ दें ये चीज़ें तो फिर मतलब एक अच्छा पे है एज अ फ्रेशर और अगर आप जैसे फ्रेशर आप कर लेते हो उसके बाद में आपका वन ईयर का या फिर सिक्स या सेवन मंथ्स का एक्सपीरियंस हो गया या फिर आफ्टर वन ईयर आप जैसे कि सीनियर रिक्रूटर बन गए तो आपकी जो सैलरी होगी वो आपका मतलब ऐसे मान ले कि फोर्टी से अबव ही मान ले ठीक है फोर्टी थाउजेंड से अबव हो जाएगी तो विद इन वन ईयर आप मतलब फोर्टी क्रॉस कर सकते हैं ठीक अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही बढ़िया रही आप आ, मतलब कैंडिडेट को हायर जल्दी कर लेते हैं वो आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं परफॉर्मेंस कैसी है ये चीज़ें उन पर डिपेंड करती है परफॉर्मेंस अच्छी रही दूसरी कंपनी में आप जाते हैं स्विच करते हैं या फिर उसी सेम कंपनी में कंपनी को लगता है कि हाँ आप उसके लिए एक वैल्यूएबल एसेट की तरह वर्क कर रहे हैं सो डेफिनेटली दे विल बी रेडी टू पे यू मच मोर तो आप अपनी जो सैलरी है वो फोर्टी फाइव फिफ्टी थाउजेंड तक कर सकते उसके बाद में जो आपका प्रमोशन होता है वो टीम लीड ठीक है असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर वो सारी फिर अब प्रोफाइल में मैनेजमेंट प्रोफाइल में आप एंट्री कर जाएंगे तो अगर आपने अपने टू इयर्स इस लाइन में इन्वेस्ट कर दिए तो एक अच्छा करियर ग्रोथ आपको मिल जाएगा इस लाइन में ठीक है और जो रिक्वायरमेंट क्या होती है इस लाइन की कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज आपको यूएस के जो सिटीजन्स होंगे उससे कम्युनिकेट करना होगा ताकि आप उनको हायर कर सकें तो इस चीज़ की बस कमांड आपके पास होनी चाहिए थोड़ी बहुत हॉस्पिटल्स की नॉलेज हो आपकी वरना वो ट्रेनिंग जो होती है फ्रेशर्स के लिए उसमें आपको पता चल जाएगा तो ये इंडस्ट्री है एक चीज बस इसमें आपको मतलब ध्यान रखनी होगी ठीक है कि ये जो प्रोफाइल होती है नाइट शिफ्ट में होती है ठीक तो नाइट शिफ्ट की जो प्रोफाइल होती हैं तो नाइट में आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर यूएस शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं तो यूएस शिफ्ट में वहाँ पर जब मॉर्निंग हो रही होगी तो यहाँ पर नाइट यानी इवनिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ के मॉर्निंग टाइम पे तो इसीलिए हम उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं सो वी डू द नाइट शिफ्ट तो नाइट शिफ्ट में आपको कई कंपनीज है जो कैब प्रोवाइड करती है मतलब फ़ीमेल के लिए तो कैब फैसिलिटी है ही मेल के लिए कुछ कंपनीज में है भी कुछ कंपनीज में नहीं भी है तो आप रीलोकेट कर सकते हैं जैसे कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है आपको नोएडा में या फिर गुड़गांव में मिल जाएगी अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं पुणे में अगर आप मतलब महाराष्ट्र में तो पुणे में आपको यू एस स्टाफिंग मिल जाएगा हैदराबाद में मिल जाएंगे बेंगलोर में मिल जाएंगे या फिर वडोदरा में मिल जाएंगे तो यहाँ यहाँ ऐसी लोकेशंस हैं जो स्पेसिफिकली वहाँ पर आपको ये जो इंडस्ट्री है ये आराम से आपको मिल जाएगी और आप इसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ठीक है जैसे मान लीजिए आपने वन ईयर कम्प्लीट कर लिया तो आपको रिमोट जॉब भी मिल जाएगी मतलब कई कंपनीज़ है जो फ्रेशर को भी रिमोट जॉब दे देती हैं इस लाइन में तो आपको नाइट में वर्क करना होगा लेकिन आप घर से काम कर सकते हैं तो आपका जो भी ट्रैवलिंग टाइम होगा वो सेव हो जाएगा और अगर आप मतलब एक्सपीरियंस हो गए तो आपको मतलब कई कंपनीज होती हैं उसमें आपको रिमोट वर्क मिल जाएगा तो आप अपना काम करते रह सकते हैं और अपना रिमोटली वर्क करते रह सकते हैं तो ये थी इस जॉब के बारे में मैंने जो भी मतलब मेरे को नॉलेज है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी अगर आपका कोई डाउट रहता देन यू कैन पुट योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एंड मीन आई विल डेफिनेटली एंटरटेन योर योर क्वेश्चन और अगर मेरे को नहीं पता होगा सो आई विल आस्क देन आई विल मीन गिव यू द रिप्लाई So, and any other information if you are seeking regarding any job opportunity, then you can also put your message in the comment box or directly on my Instagram ID. Uh, so, this is regarding uh, I me in this video. So, thank you very much for watching this video and have a wonderful day.